अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। अभी है मॉर्निंग का टाइम और जो है बच्चों के स्कूल का टाइम है और यहाँ पे बन रही है सब्ज़ी जो है बच्चों के लंच के लिए। आज फरमाइश थी कि सब्ज़ी ले जाएंगे, तो यहाँ पे बन रही है आलू टमाटर शिमला मिर्च मटर की सब्ज़ी। एक्चुअली हुआ क्या कि आज जो है थोड़ा 10 मिनट नींद के चक्कर में जो है थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो बच्चों को मैंने नाश्ता वाश्ता करा के भेज दिया है स्कूल, वो चले गए हैं। अब लंच बना के जो है टिफ़िन मुझे भेजना है, तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोग जाओ स्कूल चले जाओ, मैं जो है लंच आप लोगों के लिए बना के भिजवा दूँगी। तो यहाँ पे वही बच्चों के लिए जो है लंच रेडी हो रहा है सब्ज़ी। तो चलिए सब्ज़ी जो है रेडी हो जाती है और सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सब्ज़ी में मैंने ज़ीरा डाल दिया है और प्याज कट करके डाल दी है, थोड़ा सी हरी मिर्च डाल दी है, उसके बाद आलू और मटर डाल देंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद टमाटर शिमला मिर्च और जो है डाल के नमक डाल के ढक देंगे और अच्छे से सॉफ्ट हो गई। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गई और कलर माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत है और देखने में भी टेस्टी लग रही है। तो यहाँ पे चलिए टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं हसन के टिफ़िन में जो है सब्ज़ी पैक कर रही हूँ, ये है उमरा की टिफ़िन, इसमें भी पैक कर देते हैं, और अली की भी टिफ़िन है, ये अली की टिफ़िन है, तो चलिए इसमें भी पैक कर देते हैं। थोड़े से के चक्कर में जो है काफ़ी काम बढ़ जाता है, तो आज का काम यही बढ़ गया है कि हाँ बच्चों की टिफ़िन जो है रह गई है वो बना के भेजना है। तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों की टिफ़िन जो है रेडी हो चुकी है, चलिए इसको हम जो है भिजवा देते हैं स्कूल बच्चों के। और इसके बाद ये देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इनकी गार्डनिंग जो है शुरू हो गई। एक्चुअली इनको जो है गार्डनिंग का इतना ज़्यादा शौक़ है कि क्या ही बताऊं। ये देखिए जितने भी गार्डन में पेड़ हैं सब इन्हीं के लगाए हुए हैं, और मतलब इनको खाना पानी नाश्ता वगैरह जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही इनका काम है। तो अभी जो है दवा का छिड़काव कर रहे हैं पेड़ में। ये देखिए सुबह सुबह हम लोग जो है अपने किचन के कामों में जो है बिज़ी हो जाते हैं और ये अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी दवा का छिड़काव चल रहा है और रोज़ का डेली का इनका यही है, कोई ये नहीं कि हाँ आज ही कर रहे हो, डेली सुबह अपना उठते हैं ब्रश व्रश करने के बाद फिर जो है हम लोग चाय पानी नाश्ते में जुड़ते हैं। ये पहले मतलब प्लांट को खाना पानी देते हैं, पानी डालते हैं, दवा डालते हैं, खाद डालते हैं, यही सब इनका जो है लगा रहता है। तो खैर चलिए इनका तो लगा ही रहेगा। अभी हो गई है दोपहर का टाइम और ये देखिए अभी मुझे मार्केट जाना है। और ये है मेरी नोज़ पिन मेरी जो है टूट गई है। एक्चुअली ये क्या है, मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ही ये टूटी है। इसकी नीचे की तली जो है निकल गई थी, तो इसको मैंने लगवाने के लिए बैग में रख दिया था कि किसी टाइम जाके लगवा लेंगे, और किसी ने बैग को जो है दबा दिया है और वो टूट गई है, टेढ़ी हो गई है। और इसका बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही ये बनेगी, और बनेगी भी तो एकदम कमज़ोर रहेगी, फिर से ये टूट जाएगी। तो मैंने सोचा ला इसको एक्सचेंज करके कुछ पैसा ऐसा लगेगा मिला के जो है दूसरी नोज़ पिन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अली भी मेरे साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से ये देखिए रबीउल अव्वल का महीना है, तो झंडे माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है नोज़ पिन लेके वापस हो रहे थे और रास्ते में ये देखिए नर्सरी। सुबह ही मैंने बताया ना कि मतलब गार्डनिंग का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है कि क्या ही बताऊँ मैं। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि चले देख लेते हैं कोई प्लांट प्लांट हो तो ले लें। अभी जो है इनका मूड जो है क्रिसमस प्लांट का लेने का बना हुआ है, तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है, कैसे है, मिलता है, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या है। तो यहाँ पर ये देखिए क्रिसमस प्लांट के पास आके ही देख रहे हैं।
सो फाइनली यहाँ पे ये देखिए क्रिसमस प्लांट ले लिया है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं घर और यहाँ पे ये देखिए, चलिए मैं आपको जो है अपनी नोज़ पिन दिखा देती हूँ, मैंने चेंज करके ली है, पैसा लगा है थोड़े बहुत जो है। ये देखिए ये है मेरी न्यू नोज़ पिन, ये देखिए, ये देखिए उसको चेंज करके मैंने ये वाली ले ली है। ये देखिए इसके बाद मैंने ले ली यहाँ पे मटर फ्रोजन वाली, और ये देखिए क्रिसमस प्लांट ये देखिए आ गया है, ये देखिए आके रखा हुआ है अंदर। तो यहाँ पे हसन का जो है एग्ज़ाम होने वाला है हाफ ईयरली, और यहाँ पे हसन जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और हसन का बनाना है क्राफ्ट में जो है साइड लैंप बनाना है टेबल। तो वहीं पे हसन सब बता रहे हैं कि हमको मैम ये कहीं हैं, ये बनाने के लिए कहीं हैं। इसके बाद ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, वही बच्चों का क्राफ्ट का जो बनाना है एग्ज़ाम के लिए साइड लैंप, तो उसी के लिए जो है सामान लेने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, सामान लेके आते हैं और कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि रबीउल अव्वल का महीना है तो लाइट लेनी है। और यहाँ पे अभी हम लोग ये देखिए मार्केट आ गए हैं, और ये जो है सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के अच्छे खासे सामान और अच्छे अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है लाइट लेने आए हैं, तो चलिए देखते हैं अभी कौन सी लेनी है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चलिए चलते हैं।
बहुत आसान, लेकिन मेहनत बहुत लगती है एक एक चीज़ एक एक चीज़, और उसको फिनिशिंग देने में। और इसके बाद ये देखिए, हम लोग जो है इधर अपना साइड लैंप बना रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए झंडी लगा रहे हैं 12 फ़ाद के लिए, 12 रबीउल अव्वल के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों की एक्साइटमेंट अलग ही है, मतलब हम लोग ये काम करें और ये लोग अपना ये काम कर रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए माशाल्लाह से बच्चे जो हैं कर रहे हैं तो इनको करने देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए फाइनली जो है हसन का लैंप रेडी हो गया है। इसमें लाइट वगैरह भी लगानी थी, यही सब बहुत मेहनत का काम रहता है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ज़रा सी चूक होती है तो मतलब कुछ ना कुछ गलत हो जाता है या कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो फिर से पूरा वो करना पड़ता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे फाइनली लैंप जो है रेडी है। और इसके बाद ये देखिए उम्रा का जो है वेस्ट मटेरियल से जो है उनका पॉट बनना था, तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से मैं जो है पॉट बना रही हूँ पेंट वेंट करके। तो इसका जो है फुल लुक मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी जब ये लेके जा रही होंगी, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है और बहुत एकदम वो हो गया है, अभी बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे जाएंगे। तो चलिए इसको हम जो है बना लेते हैं। उम्रा के क्राफ्ट का ये देखिए फाइनल लुक, जो रात में मैंने बनाया कहा था कि सुबह मॉर्निंग में दिखाएंगे, तो यहाँ पे ये देखिए उम्रा के क्राफ्ट का ये फाइनल लुक है। और उम्रा लोग जा रही हैं स्कूल, इन लोगों का पेपर है। तो खैर आज का व्लॉग बस यहीं तक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रहे।